वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों, काफ़ी सारे लोगों को थायराइड कैंसर हो जाता है जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को यह पता नहीं होता है कि थायराइड कैंसर के हो जाने पर क्या लक्षण आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग अपनी वक्त पर सही जाँचों को कराकर थायराइड कैंसर का पता करके उसका सही इलाज नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर उनके पूरे शरीर में फैल जाता है और उनकी मौत हो जाती है। तो भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि थायराइड कैंसर के हो जाने पर क्या लक्षण आते हैं। तो इस विषय में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो भाइयों, इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। गर्दन में एक गांठ का बनना और कभी कभार उस गांठ का तेजी से बढ़ना, गर्दन में सूजन का हो जाना, गला बैठना या आवाज में अन्य परिवर्तन का हो जाना जिसका ठीक ना होना, गर्दन के सामने के हिस्से में दर्द और कभी कभार उस दर्द का कान तक चला जाना, सांस लेने में कठिनाई होना, निगलने में कठिनाई होना और भाइयों खांसी का होना। तो भाइयों, थायराइड कैंसर के हो जाने पर यह सभी लक्षण आते हैं। तो भाइयों, अगर आपको यह लक्षण है तो आपको तुरंत ही थायराइड का अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए और भाइयों आपको थायराइड प्रोफाइल का ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए। भाइयों, जिन लोगों को थायराइड कैंसर हो गया है तो आप सभी कैंसर अस्पताल में ही अपना इलाज कराएं, उल्टा सीधा इलाज ना कराएं। भाइयों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। नमस्कार भाई।